नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनालिटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उसको मैंने भैया क्वेश्चन था, उन्हें दो 5 पिन सॉकेट, दो 2 पिन सॉकेट और एक स्विच का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो 5 पिन सॉकेट ले लिया, दो 2 पिन सॉकेट ले लिया और एक स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। इसका क्या करेंगे, बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन करके देखेंगे। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम भी लिया है, दो 5 पिन सॉकेट हमारा यहाँ पे, दो 2 पिन सॉकेट हमारा यहाँ पे और एक स्विच हमारा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखते हैं। जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आएगा। कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 वायर है फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर हम पहले बोर्ड में लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम में अगर हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं, ठीक है, फेज का वायर अगर इसे बोर्ड में लाते हैं तो यहाँ पे क्या, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ठीक है, फ्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, जो स्विच है, ये स्विच का नीचे टर्मिनल है, हम डायरेक्ट लेके आ जाएंगे। तो हमारा स्विच यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है उसको लेके आ जाएंगे और ये स्विच का नीचे टर्मिनल हम दे देंगे। जो हमारे ये स्विच के नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर यहाँ इन करा देंगे। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये चारों सॉकेट कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, चारों सॉकेट में। तो हर सॉकेट में देखिए, जब हमारे जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें लिखा होता है एल और एन। एल हो जाता है लाइन के लिए, एल हो जाता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। इसी हिसाब से ये जो 5 पिन सॉकेट है उसमें भी इसी तरीके से लिखा होगा, ठीक है, ये लाइन के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, ये बॉडी अर्थिंग के लिए। पर जो हमें 2 पिन सॉकेट होता है उसमें कहीं लिखा नहीं होता कौन फेज और कौन न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला टर्मिनल में फेज दे देंगे और ऊपर वाला टर्मिनल में क्या करेंगे, हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हमारा क्या करना है, ये स्विच से अगर ये चारों सॉकेट कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, ये सॉकेट गल टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा एल टर्मिनल कहाँ पे, हमने ये 2 पिन सॉकेट में यहाँ पे यूज करना है नीचे वाला में, तो हम एक यहाँ पे दे देंगे, यहाँ से एक यूज करेंगे एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे हम यहाँ दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक स्विच से ये चारों सॉकेट का कनेक्शन दे दिया। हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगे, ये सॉकेट का ये एल टर्मिनल, यहाँ से 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल, यहाँ से फिर ये 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल और फिर ये सॉकेट का एल टर्मिनल। तो हमारा क्या हो गया, ये चारों सॉकेट का कनेक्शन एक स्विच से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का वायर से हम इस बोर्ड में लाएंगे। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहाँ दिखाई दे रहा, दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, तीसरा यहाँ दिखाई दे रहा, चौथा यहाँ दिखाई दे रहा। हमारा चारों सॉकेट में हमको न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्मिनल में ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले आते हैं पहले एक यहाँ पे, कहीं भी इन करा सकते हैं चारों में एक जगह, कहीं भी इन करा दीजिए, वहाँ से लूप बाय लूप करके आप ले आ सकते हैं। तो हम क्या किए, पहले यहाँ इन करा दी, यहीं से एक लूप लिए यहाँ ले गए, यहीं से एक लूप ले गए यहाँ ले गए और यहीं से एक लूप लिए यहाँ ले आए। तो हमारा क्या हो गया, सॉकेट का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल में हमने न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। किसी भी तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां जहां आपको न्यूट्रल चाहिए वहां न्यूट्रल पहुंचा दीजिए, जहां फेज चाहिए वहां फेज पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। बॉडी अर्थिंग कहाँ कहाँ जरूरत है, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे हमको न्यूट्रल कहाँ कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, न्यूट्रल चाहिए था। फेज हमको चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से हमको बॉडी अर्थिंग कहाँ चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे कहीं पे एक जगह, यहाँ पिन करा देंगे, यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ पे दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने डायग्राम किया था उसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर हम कहाँ इन कराए थे, तो हम फेज का वायर लाए थे कहाँ पे, ये स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर ये स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में ला देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ कहाँ गए, सॉकेट का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, वायर का लूप ले लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे फेज का कनेक्शन करके दिया। फेज का हमने क्या किया, ये स्विच का नीचे टर्मिनल दिया था, ऊपर टर्मिनल से वायर लेके गए थे, सॉकेट का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने क्या किया, उसी हिसाब से ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ ले गए, सॉकेट का टर्मिनल और दोनों 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल और ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट का टर्मिनल यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लाएंगे। तो हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लाना। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, चारों सॉकेट का जो टर्मिनल है जो हमारा न्यूट्रल का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। तो हम यहाँ भी इन करा सकते हैं, कहीं भी एक जगह देख के हमको क्या करना, लूप बाय लूप सब में ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज हम यहीं से ले आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रल का वायर दिए या यहाँ पे भी हम दे सकते हैं जहाँ से सुविधा हो, ठीक है। सपोज हम करते हैं, अगर यहाँ पे दे दिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक लूप का ले लेंगे वायर का और जितना भी सॉकेट का टर्मिनल सब में हम कनेक्शन दे देंगे।
तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे न्यूट्रल का काम भी खत्म हो गया। न्यूट्रल का वायर हमने कहा कि टर्मिनल के यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से ले गए यहाँ पे और यहाँ से ले गए यहाँ पे। जो हिसाब से हमने डायग्राम में किया था, हमने न्यूट्रल यहाँ गिरा, यहाँ से ये सॉकेट टू पिन सॉकेट को ऊपर टर्मिनल, फिर वहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे दे दिया था। तो हमने ये चारों सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल था वहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन। तो बॉडी अर्थिंग कहाँ का चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, दो ही जगह, एक यहाँ चाहिए था, एक यहाँ चाहिए था। तो क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर कहीं एक जगह इन कराएंगे और वहीं से लूप करा के हम क्या करेंगे, दूसरे में भी दे देंगे। तो यही करते हैं, यहीं से एक लेते हैं और यहीं से एक लूप बना के हम दूसरे में भी दे देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसका हमने वायरिंग किया वो सही किया है कि नहीं किया। तो क्या करते हैं, फिलहाल ट्रायल के लिए इसको सिर्फ चेक करके हम देख लेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिना कनेक्शन हम इसमें दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिना कनेक्शन दे दिया। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग होल्डर ले लेंगे और उसी से हम चेक करके देख लेंगे। तो क्या करते हैं, ये स्विच लाल अभी ऑन नहीं है, ठीक है। एक सॉकेट में कनेक्शन आ गया तो बाकी हमारा जो चारों सॉकेट का कनेक्शन है वो सही, क्योंकि हमने एक ही सॉकेट से सबका कनेक्शन किया था। तो ये हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।